नमस्कार, मैं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। सुर्खियों की तरफ बढ़ने से पहले, अगर आप रोजगार से जुड़े समाचार से अपडेटेड होना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे YouTube चैनल GOBPVT को सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब चले बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। जीरो टोलेज तकनीक से कम खर्च के साथ बढ़ा सकते हैं आलू का उत्पादन। अब घर बैठे लीजिए किराए पर कृषि यंत्रों का ब्यौरा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, सामूहिक सहभागिता से ही होगी टीबी का खात्मा। मार्च के तीसरे सप्ताह में 4 से 5 डिग्री ऊपर चढ़ेगा बिहार का तापमान। बीसीसीआई ने जारी किया IPL 2022 का स्केड्यूल। पहला मुकाबला CSK बनाम KKR। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। जीरो टोलेज तकनीक से कम खर्च के साथ बढ़ा सकते हैं आलू का उत्पादन। किसान प्रक्षेत्र दिवस के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय आलू संस्थान लीमा पेरू की तरफ से जीरो टीलेज पोटैटोज प्रोजेक्ट द्वारा पटना के आलू अनुसंधान केंद्रों में बीते दिन एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने जीरो टीलेज तकनीक को जाना और इसके फायदे भी देखे। इसमें यह देखा गया कि किसान कैसे कम लागत में अधिक आलू का उत्पादन कर सकते हैं। कृषि मंत्री ने इस तकनीक को काफी प्रोत्साहित किया और कहा कि इससे धान के बाद आलू लगाने से फसल अवशेष का भी उपयोग हो सकेगा। आपको बताते चले कि इस तकनीक से खेत की जुताई किए बिना ही आलू का फसल लगाया जाता है। खास बात यह है कि इसमें जुताई खर्च और मजदूर के खर्च में बचत कर सकते हैं। इस तकनीक से आलू के उत्पादन में 15 से 20% तक उपज में वृद्धि भी कर सकते हैं। 10 साल से कम अनुभव रखने वाले प्रोफेसर अब नहीं बन पाएंगे कुलपति। सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति पर बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए कुछ शर्तें रखी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि किसी भी विश्वविद्यालय में कुलपति बनने के लिए कम से कम प्रोफेसर के तौर पर 10 साल का अनुभव होना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का असर बिहार पर भी पड़ेगा। इसके साथ ही प्रोफेसर के पास प्रोफेसर रिसर्च प्रोजेक्ट PhD कराने का अनुभव और साथ ही इंटरनेशनल लेवल पर पेपर प्रकाशन की योग्यता भी होनी चाहिए। कुलपति की नियुक्ति के लिए सर्च कमेटी का होना जरूरी है। बिहार में पटना हाईकोर्ट ने कुलपति पद के उम्मीदवारों के चयन के लिए 10 वर्ष का अनुभव उनके प्रमोशन नोटिफिकेशन की तारीख से मान्य किया है। आपको बताते चले कि इच्छानुसार प्रमोशन बिहार में 2005 से प्रभावी है, जो कि UGC प्रावधान 2018 के समतुल्य है। इसी प्रावधान के अनुसार 10 साल का अनुभव अनिवार्य है। अब घर बैठे लीजिए किराए पर कृषि यंत्रों का ब्यौरा। बिहार सरकार किसानों की सुविधा और हित का ख्याल में रखते हुए आए दिन कोई न कोई योजना जरूर लेकर आती है। इसी कड़ी में किसान मूलभूत सुविधाओं को देखे तो कृषि विभाग ने कृषि द्वारा खरीदे गए कृषि यंत्र बैंकों की जानकारी ऑनलाइन करने का निर्णय लिया है। इससे किसान को लाभ ये होगा कि किसान उपलब्ध कृषि यंत्र बैंकों का ऑनलाइन ब्यौरा देखकर उसे किराए पर लेने के लिए आसानी पूर्वक संपर्क कर सकते हैं। आप जिस भी पंचायत से हैं, यहां पंचायत स्तर की जानकारी उपलब्ध होगी। प्रमाण आधारित योजना के तहत कृषि विभाग इस पहल को अमली जामा पहनाने में जुटा है। इस योजना को शीघ्र से शीघ्र लागू करने में विभाग भी जुट गया है। व्हाट्सएप चैट के जरिए परिवार नियोजन से संबंधित जानकारी कर सकते हैं प्राप्त। परिवार नियोजन के लिए सरकार जिस तरह आए दिन किसी न किसी तरह से लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कहीं न कहीं अभी भी लोग इसमें गोपनीयता बरत रहे हैं। इसी बीच सरकार परिवार नियोजन को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए एक और मुहिम छेड़ रही है और इससे जुड़ी सभी समस्याओं के लिए सही निदान के लिए अब स्वास्थ्य विभाग हर घर में कोमल दीदी को भेज रही है। ये आपके सवालों के जवाब देने के लिए हर समय उपलब्ध होंगी। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग ने कोमल दीदी व्हाट्सएप बोर्ड ऐप जारी किया है, जिस पर एक क्लिक करते ही परिवार नियोजन से संबंधित स्थायी और अस्थायी साधनों की सभी जानकारी मोबाइल पर उपलब्ध हो जाएगी। मार्च के तीसरे सप्ताह में 4 से 5 डिग्री ऊपर चढ़ेगा पारा। इन दिनों मौसम का तेवर हर रोज बदल रहा है। मार्च के शुरुआती दौर में ही जून जैसी तीखी धूप लोगों को परेशान कर रही है, साथ ही हवा का प्रवाह भी निरंतर जारी है। ऐसे में मौसम विभाग की माने तो आने वाले 4 से 5 दिनों में मौसम शुष्क बने होने के साथ ही आसमान भी साफ रहेगा। इसके बाद तापमान में आंशिक वृद्धि होने की संभावना है। इसके साथ ही अगले सप्ताह से राज्य भर का तापमान 34 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा सकता है। वहीं आज राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, सामूहिक सहभागिता से ही होगा टीबी खत्म। बिहार सरकार कैंसर और टीबी जैसे घातक बीमारी की जागरूकता और निवारण के लिए आए दिन कोई न कोई योजना पहले से लाती रही है। इसी बीच टीबी जैसे घातक बीमारी के लिए भी जिलों में जागरूकता कार्यक्रम जारी है। इसके लिए राज्य भर में टीबी हारेगा देश जीतेगा कैंपेन 24 फरवरी से शुरू है, जो कि 24 मार्च तक चलेगा। इस कैंपेन के जरिए टीबी के खतरों की जानकारी दी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बीते दिन ही अपने एक बयान में कहा है कि कैंपेन के जरिए लोगों को टीबी के खतरों की जानकारी दी जा रही है। प्रदेश से लेकर जिला स्तर तक लोगों को जागरूक करने के लिए कई तरह की गतिविधियां संचालित की जा रही है। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि ये सब सामूहिक सहभागिता से ही मुमकिन है। नवीनगर पावर प्लांट की अंतिम इकाई भी हुई शुरू।
कभी बिजली की किल्लत से जूझता बिहार आज पड़ोसी देश को बिजली उपलब्ध करवा रहा है। आपको बता दें कि औरंगाबाद के नबीनगर थर्मल पावर स्टेशन की 660 मेगावाट की तीसरी और अंतिम इकाई से बिजली उत्पादन शुरू हो गई है। रविवार को इस यूनिट ने केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के मापदंडों के अनुरूप अपने 72 घंटे का फुल लोड ट्रायल रन ऑपरेशन सफलतापूर्वक पार कर लिया। एनटीपीसी के प्रवक्ता विश्वनाथ चंदन ने इस बात की पुष्टि की है और साथ ही बताया है कि विद्युत मंत्रालय की इस परियोजना से 84.8% बिजली बिहार को आवंटित की है। शेष बिजली उत्तर प्रदेश, झारखंड और साथ ही साथ सिक्किम को मिलेगा। बिहार को इस यूनिट से 559 मेगावाट अतिरिक्त बिजली की आपूर्ति जल्द ही होने लगेगी। 16 साल में 4 लेन एनएच की लंबाई हो जाएगी दोगुनी। बिहार में नीतीश सरकार के आने के बाद सड़कों के विस्तार पर जो काम किया गया है उसमें पिछले 16 साल में कई ज्यादा विस्तार देखने को मिला है, जिसके तहत ही अधिक चौड़ाई वाले एनएच की लंबाई लगभग दोगुनी हो चुकी है। 2 लेन चौड़ी 769 किलोमीटर लंबाई वाली सड़कों की लंबाई अब 1404 किलोमीटर हो चुकी है। वहीं 1 लेन की मुख्य सड़क 728 किलोमीटर लंबी थी, जो कि अब घटकर 440 किलोमीटर हो गई है। ऐसे में मुख्य सड़कों की चौड़ाई बढ़ने से जाम की समस्या से निजात मिलने लगी है। वहीं अब कम समय में लोग लंबी दूरी तय कर पा रहे हैं। वहीं 3624 किलोमीटर एनएच की लंबाई बढ़कर 5948 किलोमीटर हो गई है। एमबीबीएस एडमिशन के लिए 10 मार्च को जारी होगा सेकंड मेरिट लिस्ट। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद बीसीईसीबी ने राज्यों के मेडिकल कॉलेज में सेकंड राउंड के एडमिशन प्रक्रिया में एक बार फिर से बदलाव कर दिया है। बीसीईसीबी रविवार को सेकंड मेरिट लिस्ट जारी करने वाला था, लेकिन इस तारीख को रद्द कर समय सीमा बढ़ा दी गई है और अब कॉलेजों में सेकंड मेरिट लिस्ट 10 मार्च को जारी किया जाएगा। मालूम हो कि राज्य के 85% एमबीबीएस सीटों पर फर्स्ट राउंड एडमिशन के बाद 260 सीटें खाली रह गई थी। इन सीटों पर एडमिशन सेकंड राउंड के तहत होगा। राज्य में 85% कोटे के तहत 1121 एमबीबीएस सीटों पर एडमिशन होना है। एमसीसी नीट 2021 की काउंसलिंग के लिए मॉपअप राउंड के लिए फिलिंग की प्रक्रिया भी आज से शुरू हो चुकी है। mcc.nic.in पर जाकर फिलिंग प्रक्रिया संपन्न कर सकते हैं। डीजीपी एसके सिंघल की कुर्सी पर मंडरा रहा है खतरा। बिहार के डीजीपी एसके सिंघल की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि उनकी कुर्सी को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही आदेश जारी किया है, जिसके तहत ही बिहार सरकार से कोर्ट ने यह सवाल किया कि आखिरकार क्यों नहीं डीजीपी पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना कर नियुक्ति करने का मामला चलाया जाए। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में बिहार के डीजीपी एसके सिंघल की नियुक्ति को लेकर याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर सूबे में डीजीपी की नियुक्ति कर दी है, जिसके बाद ही सरकार से जवाब तलब किया गया है। बिहार में 27 लाख लोगों की हुई जांच में मिले 79,000 लोगों में कैंसर के लक्षण। देश के साथ साथ राज्य में भी कैंसर की समस्या आम होती जा रही है। इसी बीच सरकार कैंसर जैसी घातक बीमारी के रोकथाम के लिए राज्यभर में लोगों की जांच कर रही है। जांच के बाद जो आंकड़े आए हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं। जांच और इलाज को लेकर 26,96,126 लोगों की जांच की गई, जिनमें से 79,071 लोगों में कैंसर के प्रारंभिक लक्षण पाए गए हैं। हालांकि लोगों को जागरूक करने के लिए सरकार मुहिम जरूर चला रही है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार एनपीसीडीसीएस के तहत कैंसर की रोकथाम को लेकर आम लोगों को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही टाटा कैंसर अस्पताल मुजफ्फरपुर के सहयोग से राज्य के 16 जिलों में निशुल्क कैंसर स्क्रीनिंग अभियान संचालित किया जा रहा है। ग्रामीण इलाकों की बात करें तो कैंसर के प्रति जागरूक करने के लिए इस मुहिम में कार्यकर्ताओं को भी लगाया गया है। बिहार विधानमंडल के बाहर बने स्वागत कक्ष का मुख्यमंत्री ने किया उद्घाटन। बिहार विधानमंडल के बाहर बने स्वागत कक्ष का आज सुबह सुबह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्घाटन कर दिया है, जिसके बाद ही अब जो भी लोग विधानमंडल आना चाहते हैं उनको पहले यहां पर बिठाया जाएगा और अनुमति मिलने के बाद ही वो अंदर जा सकेंगे। यानी कि ये एक तरीके का वेटिंग रूम है, जिसकी शुरुआत सीएम नीतीश ने आज ही की है। साथ ही इस दौरान उन्होंने स्वागत कक्ष का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि स्वागत कक्ष बनकर अच्छा काम हुआ है, लोग यहां पर आएंगे, बैठेंगे, परमिशन मिलेगा तभी अंदर जाएंगे। हालांकि विधानमंडल की ऐसी सुविधा अब तक केवल राजधानी दिल्ली में ही थी, लेकिन अब ये सुविधा बिहार में भी मिलने वाली है। भाजपा ने बिहार विधान परिषद के चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम पर लगाई मुहर। भाजपा की प्रदेश चुनाव समिति ने 4 अप्रैल को 24 सीटों पर होने वाले बिहार विधान परिषद के चुनाव के लिए स्थानीय प्राधिकार वाली 12 सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगा दी है। मालूम हो कि 29 जनवरी को भाजपा और जेडीयू ने सीटों के बंटवारे में 13 सीट भाजपा और 12 सीट जेडीयू को दिया था, जिसमें भाजपा ने अपने खेमे की एक सीट हाजीपुर रालोजपा को देने का ऐलान भी किया था, जिसके बाद अब भाजपा ने अपने कुल 12 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगा दी है। इन 12 प्रत्याशियों में 9 निवर्तमान विधान पार्षदों को उतारने का फैसला लिया गया है। वहीं 3 सीट औरंगाबाद, दरभंगा और सिवान के लिए चुनाव समिति ने प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश संगठन महामंत्री को अधिकृत किया है। देश भर में आए कोरोना के 5,000 से भी कम मामले, बिहार में भी जारी है गिरावट। देश भर में कोरोना के मामलों में गिरावट जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 4,300
662 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 66 मरीजों की जान चली गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से सोमवार सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार देश में वर्तमान में 54,118 सक्रिय मामले हैं। वहीं बिहार की बात करें तो बिहार में कोविड 19 की संख्या लगातार घट रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 28 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 188 पर पहुंच गई है। बीसीसीआई ने जारी किया आईपीएल 2022 का स्केड्यूल। पहला मुकाबला सीएसके बनाम केकेआर। आईपीएल 2022 का रोमांच इस बार चरम पर होगा, क्योंकि आईपीएल के 15वें सीजन में बहुत कुछ आपको बदला हुआ दिखने वाला है। इस बार आईपीएल के 15वें सीजन में दो नई फ्रेंचाइजीज जुड़ी हैं और इस बार आपको कुल 10 फ्रेंचाइजी मैदान में दिखेंगे। आईपीएल के आगाज में बस चंद दिन बचे रह गए हैं। इसी महीने 26 मार्च से आईपीएल के मुकाबले का आगाज होने जा रहा है। आईपीएल के मुकाबले के लिए बीसीसीआई ने स्केड्यूल भी जारी कर दिया है, जहां आईपीएल का पहला मुकाबला 26 मार्च को वानखेड़े स्टेडियम में गत चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा और इसका फाइनल मुकाबला 29 मई को खेला जाएगा। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है नुन्नू कुमार, राज आर्यन, कविता कुमारी, निकिता कुमारी, कृष्ण कुमार, महेंद्र कुमार, चंद्रमोहन मंडल, शंकर मुखिया, रंजीत मिश्रा, इंद्रभूषण रवि। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके इलाके में सही तरीके से बिजली की सुविधा उपलब्ध हो पा रही है या नहीं, अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।